नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट विद आलोक में। मैं रवि तिवारी करंट अफेयर्स की रटलो श्रृंखला के साथ एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित हूं। यह रटलो की 6वीं श्रृंखला है। व्याख्यात्मक रूप से करंट अफेयर्स को रटलो श्रृंखला में हल कराया जाता है। संस्था के द्वारा सभी परीक्षाओं के लिए रटलो श्रृंखला आपको प्रदान की जाती है। उसी क्रम में मैं फिर आपके समक्ष उपस्थित हूं। 50 प्रश्नों को हम लोग हल करते हैं, लेकिन यदि आप व्याख्या को ध्यानपूर्वक सुनते हैं और बताए गए तथ्यों को पेन डाउन करते हैं तो निश्चित रूप से यह संख्या 150 से 200 आपकी पहुंच जाती है एक रटलो में। विगत परीक्षाओं का इतिहास रहा है कि लगभग सभी प्रश्न आपको रटलो से मिलते थे। आने वाले समय में महत्वपूर्ण परीक्षाएं आपके प्रदेश में आयोजित की जाने वाली हैं, जैसे यूपीपीसीएस हो गया, खंड शिक्षा अधिकारी हो गया, यूपीएसआई हो गया, और सभी परीक्षाओं के लिए रटलो श्रृंखला समान रूप से उपयोगी है। आप लोग बिल्कुल इसको देखें और अच्छे से इसका अध्ययन करें और जितने भी तथ्य से निकल के आते हैं उसको निश्चित रूप से पेन डाउन करें। आइए प्रारंभ करते हैं आज की श्रृंखला का। उससे पहले मैं एक जरूरी जानकारी आप लोगों को प्रदान करना चाहता हूं। प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा यूपीपीसीएस, यूपीपीसीएस अफसर बनने का एक शानदार सपना होता है और आप जानते हैं कि यूपीपीसीएस की परीक्षा के लिए उल्टी गिनती आपकी शुरू हो गई है। अब प्रारंभिक परीक्षा आपकी काफी नजदीक है। संस्थान में इसके लिए बहुत ही गुणवत्तापूर्ण बैच जो है संचालित किया जा रहा है आप लोगों के लिए, जो प्री का भी है और प्री कम मेंस का भी है। तो संस्थान में जो बैच है, संस्था के बैच की अपनी विशेषता है। प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा की फैकल्टीज अलग अलग है। लगभग 5 घंटे आपको प्रतिदिन प्रारंभिक परीक्षा की क्लास दी जाती है और लगभग 4.5 घंटे आपको मुख्य परीक्षा की क्लास दी जाती है। 9 घंटे इस समय तैयारी करते हैं। विधिवत आपको नोट्स भेजे जा रहे हैं, प्रारंभिक परीक्षा के नोट्स अलग और मुख्य परीक्षा के नोट्स अलग। उसी क्रम में संस्था द्वारा 5 मार्च से नया बैच प्रारंभ हो जाएगा। 5 मार्च से पढ़ाई प्रारंभ हो जाएगी उस बैच में, जिस बैच में प्रवेश प्रक्रिया लगातार जारी है। तो जो भी लोग पीसीएस बनने का सपना देखे हो, कठिन परीक्षा को अच्छी गुणवत्ता के साथ, अच्छे पढ़ाने के तरीकों के साथ आसान है। अगर आपने भी अफसर बनने का सपना देखा हो या आप थोड़ी सी भी दृढ़ मानसिकता अपने अंदर रख सकते हो तो टारगेट विद आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट समर्पित है यूपीपीसीएस की परीक्षा के लिए। आप लोग इस बैच में प्रवेश लीजिए। मैं स्वयं दिल्ली और इलाहाबाद की फैकल्टी के साथ प्रतिदिन इस बैच में आप लोगों से रूबरू होता हूं, बैच की व्यवस्थाओं को देखता हूं और लगातार करंट अफेयर्स की फैकल्टी के रूप में आपसे जुड़ा रहूंगा। ना केवल करंट अफेयर्स की फैकल्टी के रूप में बल्कि आलोक सर के कुशल निर्देशन में पूरे बैच को किस प्रकार गुणवत्तापूर्ण संपन्न करना है सारी प्रक्रियाओं में मैं शामिल हूं और निश्चित रूप से हम लोग इस बैच में सर्वश्रेष्ठ करने चल रहे हैं। चाहे वो क्लासेस के माध्यम से हो प्री और मेंस की, चाहे वो मोटिवेशन के माध्यम से हो, चाहे वो नोट्स के माध्यम से हो, चाहे वो आंसर राइटिंग के माध्यम से हो या किसी भी माध्यम से हो, हम लोग इसके लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। अब की बार 2020 पीसीएस में सबसे अच्छे रिजल्ट टारगेट विद आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट देने चल रहा है। कैसे आप हमारे इस बैच से जुड़ सकते हैं इसको आप यहां क्लियर कर लीजिए। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि नीचे जो स्क्रॉलिंग में नंबर चल रहे हैं, इन नंबर्स पर फोन करके आप इस बैच में शामिल हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। या यह हमारा नंबर है संस्था का, इस पर आप व्हाट्सअप कर दीजिए एंट्री पीसीएस लिखिए। इस नंबर को अपने मोबाइल में सेव करिए और एंट्री पीसीएस लिख के आप इसको व्हाट्सअप कर दीजिए। हमारी टीम तुरंत आपसे संपर्क करेगी और आप हमारे बैच से जुड़ जाएंगे। एक एक दिन करके दिन मत निकालिए। 5 तारीख से इसमें कक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं। अब 2 ही 3 दिन का समय आपका बाकी है। आइए और इस नए बैच की प्रक्रिया में क्या करिए, शामिल होइए और अपने सपने को साकार करिए। कहीं भी 1% की भी कमी नहीं रह जाएगी। हम लोग सर्वश्रेष्ठ करने के वादे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो इसी सूचना के साथ हम लोग रटलो श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं, आज की 6वीं रटलो श्रृंखला को। पहला प्रश्न आपके सामने ये है, शुरुआत करते हैं। किस स्थान पर दूसरा स्टार्टअप इंडिया ग्लोबल वेंचर कैपिटल समिट 2019 का आयोजन किया गया। जब भी ऐसे समिट से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं तो इनका विषय आपके लिए बहुत जरूरी होता है कि किस विषय के लिए आयोजित किया गया और कहां आयोजित किया गया, इसकी थीम या उद्देश्य क्या था। तो जब इस समिट की शुरुआत हुई थी 2018 में, तो ये पहला जो समिट था उसका आयोजन भी गोवा में ही किया गया था और दूसरे समिट का आयोजन 2019 का जो हुआ है वो भी गोवा में ही हुआ है। क्लियर? तो इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए, गोवा होगा। अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी समझ लीजिए। देखिए, ये किससे संबंधित है, इन नवाचार के लिए पूंजी जुटाने से और ई मोबिलिटी इत्यादि को बढ़ाने से संबंधित है। नवाचार के लिए पूंजी को एकत्रित करना, ई मोबिलिटी को बढ़ाना, है ना। और अगर हम लोग देखें कि इस वर्ष की इसकी उद्देश्य थीम क्या थी, भारत अवसर,
कल में निवेश करें एक साथ, मतलब भारत एक अवसर के रूप में है और कल के लिए निवेश करें सभी लोग एक साथ, इस थीम के साथ इस समिट का प्रारंभ किया गया। तो नवाचार से संबंधित है, ई मोबिलिटी को बढ़ाने से संबंधित है, निवेश के लिए प्रेरित करता है और गोवा में इसका आयोजन हुआ है, तो इसका सही उत्तर आपका क्या होगा, सी गोवा। दूसरे प्रश्न की तरफ हम लोग यहां पर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कब नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को मंजूरी दी। कई प्रश्न आपके इस प्रश्न से बनते हैं, क्लियर। आप सभी लोग जानते हैं कि यह चर्चा का विषय रहा, तो इसका सही उत्तर तो है 12 दिसंबर 2019। चार ऑप्शंस आपको दिए गए थे, सी उत्तर आपका सही रहेगा। आपको यहां पे एक चीज और ध्यान रखनी है, यह जो विधेयक है यह नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करके लाया गया है ना, इसके लिए किसमें संशोधन किया गया है, तो आप कहेंगे नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया है ना, 1955। आपसे पूछा जा सकता है कि नागरिकता अधिनियम कब का है, तो 1955 का है और उसमें संशोधन के बाद ये विधेयक है। अब इस विधेयक के कुछ प्रावधान उनको आप समझ लीजिए और पेन डाउन मेरे साथ करते चलिए, है ना। तीन देशों, मतलब विधेयक में जो प्रावधान है, तीन देशों कौन कौन से, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हुए धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता प्राप्त प्रदान करने का प्रस्ताव है। तीन देशों से आए हुए अल्पसंख्यकों को, अल्पसंख्यकों का मतलब है इसमें छह समुदायों को शामिल किया गया है, उसको भी हम बताएंगे, अल्पसंख्यकों को नागरिकता प्रदान करने का प्रस्ताव है। पहला प्रावधान तो इसका साफ साफ ये है। फिर दूसरे प्रावधान पर हम लोग चर्चा करते हैं, अन्य प्रावधान जो है, 31 दिसंबर 2014 को या उससे पूर्व भारत में आकर रहने वाले तीनों देशों के हिंदुओं, हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों, अगर आपसे पूछा जाए कि कितने अल्पसंख्यक समुदायों को शामिल किया गया है, तो आपका उत्तर होगा छह। किस किस को, मैंने पहले भी क्लियर किया, हिंदुओं, नोट कर लीजिए, हां 31 दिसंबर 2014 को या उससे पूर्व भारत में आकर रहने वाले तीन देशों के हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को सरकार भारतीय नागरिकता प्रदान करेगी, क्लियर। अब प्रावधान लागू कहां नहीं होगा, इसके बारे में भी जानकारी आपको चाहिए, तो संविधान की छठी अनुसूची में शामिल असम, मेघालय, मिजोरम या त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों पर यह प्रावधान लागू नहीं होगा। संविधान की छठी अनुसूची में शामिल कौन कौन से, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम के आदिवासी क्षेत्रों पर यह लागू नहीं होगा। और विधेयक में अवधि का जो प्रावधान है, इस समूह के लोगों के लिए देशीकरण की अवधि को 6 वर्ष से 5 वर्ष करने का प्रावधान है। तो कितने अल्पसंख्यक समुदाय हैं, 6, कितने देश हैं, 3, कहां पर लागू नहीं हो रहा है, छठी अनुसूची में वर्णित जो आदिवासी समूह है, जो त्रिपुरा, मिजोरम, असम यहां से संबंधित है, उन पर ये लागू नहीं हो रहा है और उनके देशीकरण की जो अवधि है उनको 6 वर्ष से लेकर 5 वर्ष जो है करने का प्रावधान है, कि इसको हम 6 वर्ष से करके देशीकरण की अवधि को क्या करेंगे, 5 वर्ष करेंगे। तो ये इससे संबंधित पूरी जानकारी है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, पेन डाउन करते चलिए। आइए तीसरे प्रश्न की तरफ यहां पर हम लोग यहां पर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा देश में शासन की स्थिति को दर्शाने के लिए सुशासन दिवस, है ना, पहली बात तो अगर गुड गवर्नेंस डे अगर आपसे पूछा जाए कब मनाया जाता है, तो 25 दिसंबर को मनाया जाता है, जिस दिन क्रिसमस होता है, क्योंकि 25 दिसंबर को ही स्वर्गीय भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस भी है ना, तो वहीं से प्रश्न आपसे कनेक्ट किया गया है, इसको समझिए। लिखा क्या है, केंद्र सरकार द्वारा देश में शासन की स्थिति को दर्शाने के लिए सुशासन दिवस, सुशासन सूचकांक जारी किया गया। सुशासन दिवस निम्न में से किस राजनीतिक के जन्म के दिन पर मनाया जाता है, तो मैंने उत्तर पहले ही क्लियर कर दिया, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, है ना, तो इसका सही उत्तर आपका क्या होगा, डी होगा, है ना। लेकिन इससे संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है उसको आप यहां पर क्लियर कर लीजिए, मैं यहां पर क्लियर कर लेता हूं, है ना। देखिए, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रम के दौरान सुशासन सूचकांक की घोषणा आपकी की गई, क्लियर। भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शासन की स्थिति का सूचकांक आकलन करेगा और नीति आयोग द्वारा इसको जारी किया जाएगा, नीति आयोग की देखरेख में इसको जारी किया जाएगा। सुशासन सूचकांक के लिए 10 क्षेत्र चयनित किए गए हैं, ठीक है, और 3 वर्गों में ये आएगा, बड़े राज्य,
क्लियर है। अब बड़े राज्यों में जो शीर्ष स्थान है वो तमिलनाडु का है और अंतिम स्थान जो है झारखंड का है। देखिए तीन स्तरों में आया है, सबसे पहले ये बड़े राज्य में आया, तो बड़े राज्यों में अगर हम लोग देखें तो शीर्ष स्थान किसको मिला है, इसमें तमिलनाडु को मिला है, याद रखिएगा, और अंतिम स्थान किसको मिला है, झारखंड को मिला है। क्लियर, पहली श्रेणी तो ये है तीन। दूसरी जो इसकी श्रेणी है, उस दूसरी श्रेणी इसको आप नोट कर लीजिए, दूसरी जो श्रेणी है पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्य है, तो पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्य में जो शीर्ष स्थान है वो हिमाचल प्रदेश का है और जो अंतिम स्थान है वो अरुणाचल प्रदेश का है ना। पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों में जो शीर्ष स्थान है वो हिमाचल प्रदेश का है और जो नीचे का स्थान है सबसे वो किसका है, अरुणाचल प्रदेश का है। अब तीसरा जो वर्ग है वो केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है, उसको भी पेन डाउन कर लीजिए। केंद्र शासित प्रदेश में जो शीर्ष स्थान है वो पुदुचेरी का है ना, शीर्ष स्थान पुदुचेरी का है और अंतिम स्थान है वो लक्षद्वीप का है ना। अब उत्तर प्रदेश किस में आता है, उत्तर प्रदेश बड़े राज्यों की श्रेणी में आता है और उत्तर प्रदेश का स्थान अंतिम से दूसरा है, अंतिम से दूसरा है बड़े राज्यों की श्रेणी में। तो यह सूचकांक 10 क्षेत्रों को समाहित करता है और तीन श्रेणियों में आता है और मैंने तीनों श्रेणियों के आपको नाम बताए, बड़े राज्य, पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्य और केंद्र शासित राज्य है ना। तो ये यहां पर इसका पूरा है और इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर इसको मनाया जाता है। आइए चौथा प्रश्न है आपका, हाल ही में राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा कॉलेज के नए परिसर का उद्घाटन कहां किया गया, एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को लिए हुए प्रश्न है और ऐसे प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो इसका जो उद्घाटन किया गया वो नागपुर में किया गया, महाराष्ट्र में। क्लियर है। हाँ, अब यहां पर एक चीज और, तो इसका सही उत्तर क्या होगा आपका, नागपुर, अगर राज्य पूछा जाए तो महाराष्ट्र। यहां पर एक और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपको क्लियर रखनी है, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल अकादमी का शिलान्यास भी यहां पर किया गया है नागपुर में। अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF अकादमी कहां बनाई गई है, NDRF अकादमी कहां बनाई गई है, तो वो भी बनाई गई है आपकी नागपुर में ही, इसका उद्घाटन हुआ है इस अकादमी का, सूरा देवी गांव में, नागपुर के सूरा देवी गांव में, सूरा देवी गांव में है ना। यह एक अकादमी है आपदा प्रबंधन से संबंधित, राष्ट्रीय अकादमी, और इसका भी जो है कहां पे हुआ है, सूरा देवी गांव, और इसका भी सही उत्तर क्या है, नागपुर। और जो आपसे पूछा गया है उसका भी सही उत्तर क्या होगा, नागपुर। तो ये नागपुर से संबंधित जो दो जानकारियां आपको क्लियर हुई। भारत में डिजिटल रेडियो की लॉन्चिंग निम्न में से किस वर्ष होनी है, देखिए यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कई प्रश्नों को अपने अंदर समाहित किए हुए है, तो आप तैयार हो जाइए यहां पर इसकी डिटेल्स को नोट करने के लिए। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो 2024 होगा है ना, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या है बताइए, 2024 है। अब आप इस प्रश्न से जुड़ी हुई जानकारी को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, क्लियर। आकाशवाणी को तकनीकी रूप से सुसज्जित किया जाना है जिससे अधिक स्पष्ट आवाज और अधिक स्पष्ट आकाशवाणी हो सके। मतलब देखिए आकाशवाणी एक वैसा माध्यम है कि लगभग हमारी 65% से ज्यादा जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है और वहां पे आज भी रेडियो एक प्रमुख साधन है जानकारी का या समाज की मुख्य धारा की जानकारियों को वहां पे पहुंचाने का, और बहुत सारे लोग इसको उपयोग में भी लाते हैं। आजकल मोबाइल कनेक्टिविटी से लेके आप महंगी गाड़ियों में कहीं भी देखें तो रेडियो आपका लगातार आपके साथ रहता है। सरकार ने भी इसको इसका कायाकल्प करने का जो प्लान बनाया है उसको कब तक पूरा करना है, डिजिटल रेडियो की लॉन्चिंग 2024 तक, मतलब हम अपने रेडियो की व्यवस्था को और डिजिटल करने चल रहे हैं इस प्रोग्राम के दौरान, जिसके द्वारा आकाशवाणी की पहुंच को, उसकी आवाज को, उसकी गुणवत्ता को डिजिटल रूप से और अधिक स्पष्ट करने का प्रावधान यहां पर सरकार द्वारा है। इससे संबंधित कुछ और जानकारियां मैं आपको यहां पर स्पष्ट रूप से प्रदान कर दूं। यदि मैं आपसे कहूं तो रेडियो स्टेशनों की जो रेडियो स्टेशन है, रेडियो स्टेशन, उनकी संख्या में 4 गुना वृद्धि करना, मतलब अभी जो रेडियो स्टेशन है क्षेत्र के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से और विषय के हिसाब से, प्रत्येक विषय के लिए एक अलग रेडियो के स्टेशन, जैसे शिक्षा के लिए एक अलग तरीके का होना, अंतरिक्ष की जानकारी के लिए अलग तरीके का होना, आपदाओं की जानकारी के लिए अलग तरीके का होना, इसकी जो स्टेशन है उनमें 4 गुना वृद्धि करना। पहला तो ये लक्ष्य कि इसमें क्या करना, 4 गुना वृद्धि करना और इसकी पहुंच को बढ़ाना।
दूसरा ऑल इंडिया रेडियो के बारे में आप जान लीजिए कि अगर आपसे पूछा जाता है कि ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी, तो ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी, 1936 में हुई थी। और जिसे स्थापना अगर हम लोग देखें ऑल इंडिया रेडियो की, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई थी 1936 में, जिसे 1956 में आकाशवाणी नाम दिया गया था। 1956 में आकाशवाणी नाम जिसे दिया गया था और इसकी स्थापना हुई थी 1936 में। क्लियर। देश का राष्ट्रीय सार्वजनिक रेडियो प्रसारक जो प्रसार भारती का एक प्रभाग है, ऑल इंडिया रेडियो या आकाशवाणी देश के जो सार्वजनिक रेडियो प्रसारक है ना, प्रसार भारती, उसका एक प्रभाग है और इसी के अंतर्गत जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं वहां पे इसको संपादित किया जाना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, 2024 हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, छठवां प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य के लिए सेमी हाई स्पीड रेलवे परियोजना सिल्वर लाइन को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई। ये पूरे भारत में इस तरह की पहली परियोजना है जिसकी स्पीड 200 किलोमीटर प्रति घंटे है, 200 किलोमीटर प्रति घंटे है। और जो सही उत्तर आपका इसका होगा, वो सही उत्तर यहां पर होगा केरल। केरल को यह मंजूरी प्रदान की गई है, यहां पर आप स्पष्ट कर लीजिए। क्लियर। हाँ, केरल इसका सही उत्तर होगा। इससे जुड़ी हुई कुछ जानकारी को आप जो है नोट कर लें। 17 दिसंबर 2029 को रेल मंत्रालय द्वारा तिरुवंतपुरम से कासरगोड, कहां से कहां तक है, त्रिवेंद्रम या तिरुवंतपुरम से कासरगोड, कासरगोड तक ही है। अगर हम किलोमीटर में इसकी लंबाई देखें, है ना, किलोमीटर में अगर इसकी हम लोग लंबाई देखें तो लगभग 532 किलोमीटर ये है, 532 किलोमीटर की ये लंबाई है। 200 किलोमीटर प्रति घंटे से इसको सिल्वर लाइन को क्या किया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है और 2024 में ये प्रोजेक्ट पूर्ण हो जाएगा, है ना। कहां से कहां तक है, अगर पूछा जाए कि पहली जो सिल्वर लाइन है वो कहां से कहां तक है, तो तिरुवंतपुरम या त्रिवेंद्रम से कासरगोड तक है, है ना, कासरगोड तक है। क्लियर है। हाँ चलिए, तो इसका सही उत्तर ए होगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ चलते हैं। सातवां प्रश्न है, नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन के तहत किस वर्ष तक भारत के सभी गांवों में ब्रॉडबैंड की पहुंच प्राप्त होगी। इस वाले बजट सत्र में भी इसका जो है एक लंबा हिस्सा इसको समर्पित था, है ना, जहां पे लिखा गया नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन के तहत किस वर्ष तक भारत के सभी गांवों में ब्रॉडबैंड पहुंच प्राप्त होगी। तो देखिए, तो इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा आप लोग। हाँ, इसके सही उत्तर को करें तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 2022 तक। जो सभी लक्ष्य हैं वो लगभग 2022 तक आपके लिए जा रहे हैं, 22 के लिए जा रहे हैं, 23 के लिए जा रहे हैं, 24 के लिए जा रहे हैं। तो इसका सही उत्तर जो है क्या है, 2022। अब इससे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को आप फिर यहां पर पेन डाउन करिए। क्लियर। तो सबसे पहले जो इसकी जानकारी है इसको समझ लीजिए, मिशन का दृष्टिकोण क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों तक इस मिशन को पहुंचाने का दृष्टिकोण क्या है। तो देखिए, डिजिटल संचार की गति को तेज करना, मतलब जो सूचनाएं हम आप तक पहुंचाते हैं उसकी गति को क्या करना है, तेज करना है। दूसरा, डिजिटल अंतराल को कम करना, डिजिटल सशक्तिकरण, सबको सुगम डिजिटल सेवा उपलब्ध करना कराना, है ना, मतलब अंतराल को कम करना, गति को बढ़ाना और डिजिटल समावेशन करना। समावेशन का शब्द जब किसी चीज के साथ जुड़ जाता है तो उसका ये मतलब ये होता है कि हम समाज के अंतिम व्यक्ति तक उस सुविधा को पहुंचा दें या समाज के अंतिम व्यक्ति तक उस सुविधा को जोड़ दें। जैसे मैं कहूं समावेशी शिक्षा, तो समावेशी शिक्षा का अर्थ यह होगा कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक शिक्षा की पहुंच का होना या शिक्षा से समाज के अंतिम व्यक्ति को जोड़ देना। जैसे अगर आपको एक प्रश्न पूछा गया था पीसीएस में कि जनधन खाते खोलने का उद्देश्य क्या है, तो उसके बाद विकल्प था आपका बैंकिंग समावेशन। तो सही उत्तर है बैंकिंग समावेशन। समावेशन जब किसी के साथ जुड़ जाता है तो उसका उद्देश्य होता है कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक उस सुविधा को पहुंचाना। तो बैंकिंग समावेशन, सरकार जितनी भी सुविधाएं इस समय लेके आ रही है सब्सिडी की, उसको वो व्यक्तियों के सीधे खाते में देना चाहती है। इसका मतलब है बिचौलियों की भूमिका को पूर्णतः समाप्त करने से है। अब बिचौलियों की भूमिका पूर्णतः समाप्त कब होगी, जब प्रत्येक व्यक्ति सरकार से जुड़ा होगा सब्सिडी लेने के लिए या सरकार द्वारा जो सुविधाएं हैं उनको लेने के लिए। कैसे जुड़ सकता है,
जब उसके पास बैंकिंग होगी। इसके लिए हमें समाज के प्रत्येक तबके को या व्यक्ति को बैंकिंग से जोड़ना होगा। तो हमने क्या किया, बैंकिंग समावेशन, मतलब जनधन खातों के द्वारा हम समाज के प्रत्येक व्यक्ति को बैंकिंग से जोड़ रहे हैं या बैंकिंग समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अपने आप से जोड़ रही है, जिससे हम उस लक्ष्य की प्राप्ति कर सके। इसी प्रकार डिजिटल समावेशन, ये जो लक्ष्य है ये किसको लिए हुए, डिजिटल समावेशन मतलब सुदूर क्षेत्र में समाज की मुख्य धारा में जो लोग शामिल नहीं है वो कहीं भी रह रहे हों उनको डिजिटली रूप से कनेक्ट करना या समाज के अंतिम व्यक्ति तक इस डिजिटल पहुंच को पहुंचाना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है ना। अंतराल को कम करना, सब तक पहुंच पहुंचाना और इसकी गति को क्या करना और तेज करना। तो इसका सही उत्तर आपका क्या होगा बताइए, 2022 हो जाएगा और है ना, दो सभी गांवों में 2022 तक ब्रॉडबैंड पहुंच जाएगा। 30 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाना यहां पर लक्ष्य है ना, और इसी तरह से ये जो है कार्यक्रम चल रहा है। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो क्या होगा, 2022 होगा। आठवां प्रश्न है, हाल ही में देशभर में चलाए गए ऑपरेशन क्लीन आर्ट का संबंध निम्न में से किससे है। क्लीन आर्ट है ना, क्लीन आर्ट का संबंध है नेवला से, बी ऑप्शन आपका सही होगा है ना, नेवला से संबंध है। अब इसमें समझ लीजिए कि नेवला को इसमें कैसे हमें बचाना है, क्लियर है। देखिए नेवले के बालों के गैरकानूनी व्यापार को रोकना, क्लीन आर्ट का सीधा सीधा मतलब है कि नेवला जो है इसके बालों के बालों से जो व्यापार होता है उस व्यापार को रोकना, क्योंकि इसके बालों से जो व्यापार होता है उसमें इनकी संख्या बहुत तेजी से कम हो रही है, तो उसको रोकने के लिए जो कार्यक्रम है वो ऑपरेशन आपका क्लीन आर्ट है। देखिए होता क्या है, वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो द्वारा इसको चलाया गया है। संपूर्ण भारत में नेवले के संरक्षण हेतु पहला बड़ा अभियान है ना। इसके तहत अभी आपने हाल ही में समाचार पत्रों में पढ़ा होगा, शेरकोट बिजनौर उत्तर प्रदेश में एक बहुत जो है रेड जब की गई थी, तो वहां पर पाया गया कि पेंट ब्रश के कारखानों पर इसको जब छापे को मारा गया तो यहां के नेवले के बालों का व्यापक उपयोग करके पेंट ब्रश बनाए जा रहे थे। तो इस प्रकार की तस्करी को रोकना, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे और इतना व्यापारिक दृष्टिकोण रख देंगे तो मानवता को खत्म कर देंगे और नेवला की जो प्रजाति है वो हमारे यहां से समाप्त हो जाएगी, तो उसको रोकना है और उसके लिए सरकार द्वारा ये योजना आपकी लाई गई। तो इसका सही उत्तर क्या है बताइए, किससे संबंधित है, नेवला से संबंधित है। नौवां प्रश्न है आपका, नीति आयोग द्वारा 30 दिसंबर 2019 को जारी किए गए सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2019 में सर्वश्रेष्ठ राज्य जो है वो कौन सा है, ये आपका यहां पर प्रश्न है। ये प्रश्न मैं आपको एक बार और भी हल करा चुका हूं, तो इसका उत्तर क्या होगा आपका, केरल। केरल राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में यहां पर चुना गया है, तो इसका सही उत्तर आप लोगों का क्या है बताइए, केरल है, क्लियर। अब इससे जुड़ी हुई थोड़ी सी और जानकारी आप जान कर लीजिए है ना। जारीकर्ता संस्थान आप ऊपर पढ़ ही चुके हैं कौन है, नीति आयोग। यहां से भी एक प्रश्न है, जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2019 किसके द्वारा जारी किया गया, तो नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया, क्लियर। हाँ, सूचकांक में शामिल राज्यों में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या क्रमशः 28 एवं 9 है, मतलब 28 राज्यों को शामिल किया गया है और 9 किसको शामिल किया गया है, हाँ राज्य क्षेत्रों को, केंद्र शासित प्रदेशों को। सर्वश्रेष्ठ 3 राज्य जो है, तो पहला राज्य क्या है, केरल 70 अंक के साथ, दूसरा है हिमाचल प्रदेश और तीसरा है आंध्र प्रदेश। तो पहले 3 राज्यों की अगर हम लोग बात करें तो केरल पहला है, हिमाचल प्रदेश दूसरा है और आंध्र प्रदेश आपका तीसरा है। अब नीचे के 3 राज्यों की अगर हम लोग यहां पर बात करें तो यहां पर आप लोग देख लीजिए, बिहार 50 अंक के साथ सबसे निचले स्थान पर है, उसके बाद झारखंड है और फिर अरुणाचल प्रदेश है ना। तो सबसे नीचे जो स्थान है वो बिहार का है, फिर झारखंड और फिर अरुणाचल प्रदेश है। अगर हम संघ राज्य क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो पहला स्थान किसका है जो है सबसे ज्यादा अच्छा है, जो है चंडीगढ़ का है, क्लियर है। और अगर हम सबसे नीचे की बात करें, यहां पर अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों की यहां पर बात करें तो सबसे पहला स्थान चंडीगढ़ का है और सबसे अंतिम स्थान जो है वो लद्दाख का है, क्लियर। सबसे अंतिम स्थान क्या है, लद्दाख का है, ये केंद्र शासित प्रदेशों की आपकी बात हो गई, क्लियर। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा बताइए, केरल होगा। ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए भारत का प्रथम विश्वविद्यालय कहां स्थापित होगा, 4 विकल्प है आपके, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मेघालय और गोवा, बताइए इसका सही उत्तर आपका क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा आपका उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश ही होगा और उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में इस विद्यालय को स्थापित किया जा रहा है। यूपी स्पेशल के लिए महत्वपूर्ण है, उत्तर प्रदेश में कहां पे है बताइए, कुशीनगर। मैंने बौद्ध सर्किट में आपको पिछले रटलों में पढ़ाया था है ना,
तो कुशीनगर से है, फिर कुशीनगर इसका सही उत्तर होगा। फाजिल नगर एक जगह है उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में, वहीं पे जो है बनाया जा रहा है ना, पहला विद्यालय है। क्लियर, चलिए विद्यालय का ही विश्वविद्यालय है। ग्यारहवां प्रश्न है आपका, 8 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने उड़ीसा में पाइका विद्रोह, इतिहास से जुड़ा हुआ प्रश्न, ध्यान देखिए, स्मृति में पाइका विद्रोह स्मारक की आधारशिला रखी है ना। आपको बताना है पाइका विद्रोह किस वर्ष हुआ था, तो आप समझ लीजिएगा कि पाइका विद्रोह जो हुआ था उसका जो सही उत्तर है वो 1817 है। 1817 में पाइका विद्रोह हुआ था और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ हुआ था। इसका नेतृत्व वक्सी जगबंधु ने किया था है ना। 1817 में हुआ था, ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ हुआ था और वक्सी जगबंधु, हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, वक्सी जगबंधु ने इसका नेतृत्व किया था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, 1817। आज हम क्यों बात कर रहे हैं, दिसंबर 2019 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उड़ीसा में पाइका विद्रोह की स्मृति में पाइका विद्रोह स्मारक की आधारशिला रखी, इसलिए हम इस वर्ष इसका क्या कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, इस समय करंट से कनेक्ट हो गया। अगला प्रश्न है आपका यहां पे 12वां प्रश्न जो है, हाल ही में राष्ट्रीय गंगा परिषद की पहली बैठक का आयोजन कहां पे हुआ है ना। गंगा सफाई अभियान चल रहा है और आप जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा कि कानपुर में एक बड़ा आयोजन हुआ था है ना, कानपुर में एक बड़ा आयोजन हुआ था, वो आयोजन इसी से संबंधित था। तो इसका सही उत्तर आपका होगा उत्तर प्रदेश का कानपुर। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। 13वें प्रश्न की तरफ चलते हैं, संविधान का 126वां संशोधन विधेयक 2019 का संबंध निम्न में से किससे है, ध्यान दीजिएगा, अनुसूचित जातियों में जनजातियों के आरक्षण से, अन्य पिछड़ा वर्गों के आरक्षण से, गरीब सवर्णों के आरक्षण से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर आपका होगा वो सही उत्तर होगा पहला, अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के आरक्षण से है ना, अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के आरक्षण से इसका संबंध है। और हम सभी लोग जानते हैं कि इस प्रावधान के अनुसार यदि हम लोग देखें तो लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण का 10 वर्ष मतलब 25 जनवरी 2020 से 25 जनवरी 2030 तक के लिए विस्तार कर दिया गया और इसी से संबंधित है 126वां संशोधन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, 14वां प्रश्न है यहां पर, महात्मा ज्योतिराव फूले किसान ऋण माफी योजना और गरीबों के लिए सिप भोजन नामक सब्सिडी वाला भोजन कार्यक्रम किस राज्य द्वारा शुरू किया गया, अभी बहुत चर्चा में रहा, यह महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू किया गया उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री बनने के बाद है ना। इसकी विशेषताएं क्या है वो भी आप समझ लीजिए। देखिए 3 महीने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है सिप भोज कार्यक्रम, प्रत्येक जिला मुख्यालय पर कम से कम एक सिप भोज कैंटीन का प्रारंभ किया जाएगा, प्रत्येक कैंटीन 500 थालियों को परोसेगी, एक थाली 10 रुपए में उपलब्ध होगी जिसमें 2 चपाती, 1 सब्जी और दाल और चावल शामिल होंगे है ना। तो यह एक जो है सबको मूलभूत सुविधाओं को देने के लिए या हमारी जो है जो आधारभूत सुविधा है जिन्हें उनको देने के लिए खाना जिसमें शामिल है 10 रुपए में, महाराष्ट्र सरकार का एक अच्छा प्रायोजन है। तो ये सिप भोज आप याद रखिएगा, सिप भोज नाम से उन्होंने शुरू किया है, ये महाराष्ट्र में है, रुपये 10 रुपए में संपूर्ण भोजन पायलट प्रोजेक्ट के तहत 3 महीने के लिए शुरू किया गया है। अगर सफलता मिलती है तो इसको और आगे क्या कर दिया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका 15वां, 1 जनवरी 2020 को किस राज्य ने ई गजट पोर्टल नामक एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। 15वां प्रश्न यहां पर है आपका, ई गजट पोर्टल याद रखिएगा किसने लॉन्च किया है यहां पर, तो इसका सही उत्तर आपका होगा उड़ीसा ने। किसने लॉन्च किया, उड़ीसा आपका यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही होगा। क्या है ये ई गजट पोर्टल, इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए उड़ीसा राज्य के मुख्य सचिव आशित त्रिपाठी ने इसको लॉन्च किया। गजट नोटिफिकेशन जो होगा अब एक प्लेटफॉर्म के तहत त्रुटि रहे तो पेपरलेस रूप में उपलब्ध होगा। जो गजट नोटिफिकेशन पहले पेपर पे आपको दिया जाता था वो अब पेपरलेस होगा और त्रुटि रहित होगा, ये ई गजट है, ऑनलाइन होगा और उड़ीसा सरकार ने इसकी शुरुआत की है। आइए अगला जो आपका प्रश्न है यहां पर 16वां प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में जारी एक दस्तावेज के अनुसार भारत के कितने बाघ गलियारों की पहचान की गई है ना। अभी केंद्र सरकार ने एक दस्तावेज जारी किया जिसमें जो है बाघ गलियारे हैं, तो 32 बाघ गलियारों की पहचान आपकी की गई है ना।
कितने 32 डी ऑप्शन आपका इस प्रश्न का सही होगा। इस प्रश्न के बारे में थोड़ी सी और जानकारी मैं आपको दे दूं। देखिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी की गई 3 मानक संचालन प्रक्रिया। बाघों का मानव बस्तियों में घुसने पर आपात स्थिति से कैसे निपटा जाए, मतलब उनको जो है नुकसान भी ना पहुंचाया जाए और आपात स्थिति से निपटा जाए। बाघों द्वारा पालतू मवेशियों के शिकार से कैसे बचाव किया जाए और बाघों का संरक्षित क्षेत्र में पुनर्वास कैसे किया जाए, इसके लिए बाघ गलियारों की पहचान आपकी की गई है। 3 चीजों से संबंधित है। ऐसे कुल कितने क्षेत्र है? 32 क्षेत्र आपके यहां पर ऐसे है। 17वां प्रश्न है आपका, फिनलैंड की वह कौन महिलाएं जो 34 वर्ष की आयु में दुनिया की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री बनी? सना मरीन, हम सब लोग जानते हैं ना, सना मरीन फिनलैंड की महिला है जो सबसे कम, विश्व की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री है, सना मरीन। क्लियर, ध्यान दीजिएगा। फिनलैंड जो है उत्तरी यूरोप में स्थित एक नॉर्डिक देश है जिसकी राजधानी आपको याद रखना है। फिनलैंड जो है वो उत्तरी यूरोप में स्थित एक नॉर्डिक देश है जिसकी राजधानी हेलसिंकी है ना। फिनलैंड की राजधानी क्या है? हेलसिंकी। और ये कहां पे स्थित है? उत्तरी यूरोप में स्थित एक नॉर्डिक देश है, नॉर्डिक क्षेत्रीय देश है। क्लियर है? आइए तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सना मरीन। अंतरराष्ट्रीय उसमें आप राजधानी वगैरह को याद रखा करिए, जब कोई देश प्रचलित या चर्चित होता है तो मिलान करने के लिए कूट में राजधानियां आपको ज्योग्राफी के साथ दे दी जाती है। आइए अगले प्रश्न की तरफ यहां पे हम लोग पढ़ते हैं। 18वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की मानव विकास रिपोर्ट 2019 के रात अनुसार भारत का स्थान कौन सा है? आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, बताइए इसका सही उत्तर आपका क्या होगा। 18वें प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या होगा, कृपया उत्तर करें। तो सही उत्तर जो इसका है वो है 129 इसका सही उत्तर है ना। तो 129 इसका सही उत्तर है। इसके बारे में कुछ और जानकारी मैं आपको स्पष्ट कर दूं, 129 इसका सही उत्तर है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको और यहां पे स्पष्ट कर दूं। स्कोर अगर हम लोग देखें भारत का तो वो है 0.647, ये भारत का स्कोर है। पिछले वर्ष स्थान जो था वो 130वां था, इस वर्ष एक स्थान के सुधार के साथ ये 129वां हो गया। क्लियर है? अगर हम लोग देखें कि पहला स्थान किसका है तो शीर्ष देश है नॉर्वे और उसके बाद है स्विट्जरलैंड और फिर है आयरलैंड, है ना। शीर्ष देश जो है वो नॉर्वे है और उसके बाद स्विट्जरलैंड है और आयरलैंड है। क्लियर है? इसी के साथ एक स्थान और समझ लीजिए, अंतिम 3 देश जो है वो नाइजर है। देखिए शीर्ष देश कौन है? नॉर्वे। अंतिम देश कौन है? नाइजर। भारत का स्थान कौन सा है? 129वां, यहां पर नोट कर लीजिएगा। लिंग असमानता सूचकांक में भारत की स्थिति 122वीं है ना। यहीं से लिंग असमानता सूचकांक भी क्लियर कर लीजिए और लिंग असमानता जो सूचकांक है उसमें भारत का स्थान जो है कौन सा है वो 122वां है। ये प्रश्न भी इसी के साथ क्या कर लीजिए आप, बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। 122वें स्थान पर यहां पर भारत है लिंग असमानता सूचकांक में। क्लियर? आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न है आपका यहां पर, जनमत संग्रह द्वारा हाल ही में किसे विश्व का सबसे नया राष्ट्र चुना गया? जनमत संग्रह द्वारा किसे विश्व का सबसे नया राष्ट्र चुना गया? तो इसका सही उत्तर है बोगेनविले को। इसका सही उत्तर आपका क्या है बताइए? बोगेनविले को जनमत संग्रह द्वारा विश्व का सबसे नया राष्ट्र चुना गया। अब ये कहां का हिस्सा था इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए। पापुआ न्यू गिनी का एक द्वीप है, पापुआ न्यू गिनी का एक द्वीप है। क्षेत्र की प्रशासनिक जो राजधानी है वो वुका है। पापुआ न्यू गिनी का एक द्वीप है और क्षेत्र की जो प्रशासनिक राजधानी है वो क्या है? वुका है। जनमत संग्रह यहां पर कराया गया, जनमत संग्रह में, हाँ जनमत संग्रह यहां पे कहा गया। जनमत संग्रह में जो शामिल मूल देश था वो पापुआ न्यू गिनी था और 98.31% जो लोग थे वो इस जो है पक्ष में थे कि नया देश घोषित किया जाए। तो बोगेनविले एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सबसे नया देश है ना, बोगेनविले। 20वां प्रश्न है आपका, हाल ही में किस देश ने आधिकारिक रूप से स्पेस फोर्स का शुभारंभ किया? अब देखिए स्पेस फोर्स का मतलब यहां पर यह नहीं है कि वो स्पेस में जाके फोर्स भेजेंगे, मतलब जैसे कभी कभी क्या होता है कि हम शब्दों के हिसाब से अनुमान लगा लेते हैं ना। इसका सही उत्तर होगा आपका संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, USA। स्पेस फोर्स का मतलब यह है
कि स्पेस से संबंधित जो भी गतिविधियां हैं, जो उपकरण हैं, उनकी सुरक्षा के लिए विशेषज्ञों की एक फौज तैयार करना, जिसलिए जैसे उनके सामान को कोई नुकसान ना पहुंचे, उससे संबंधित गुड्स को, मशीनरी को कोई नुकसान ना पहुंचे, जिस प्रकार से तकनीकी दक्षता के साथ उसकी जो है देखरेख की जानी है, उसी प्रकार से तकनीकी दक्षता के साथ उसकी देखरेख हो जाए। तो ऐसा स्पेस फोर्स को बनाने वाला जो विश्व का पहला राष्ट्र है वो कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका है। जैसे हम सेना से सभी चीजों की देखरेख नहीं करा सकते, अगर किसी चीज की देखरेख है तो उसको अलग करनी चाहिए। जैसे केरल के बागानों में पुरुषों का चाय के बागानों में पुरुषों का प्रवेश वर्जित है, क्योंकि जो चाय की पत्ती होती है वो कई बार जो है चाय देती है, जो चाय की पत्ती होती है, और वो इतनी डेलिकेट होती है कि उसको बहुत आराम से निकाला जाता है ना। महिलाएं उस पत्ती से 3 बार, एक बहुत डेलिकेट पेड़ से 3 बार चाय निकाल लेती है। पुरुषों का प्रवेश इसलिए वर्जित है क्योंकि अगर पुरुष वहां पे हो सकता है प्रवेश कर जाए तो वो एक ही बार उस पेड़ को ऐसे ले या चाय के पौधे को इस प्रकार से नुकसान पहुंचाए कि एक ही बार चाय की पत्ती ना आए। जैसे एक जनरल उदाहरण में समझ लीजिए, कभी कभी जब माँ हम लोगों से कहती है कि जाओ बेटा तुलसी की पत्ती तोड़ लाओ, तो हम लोग तुलसी की पत्ती नहीं तोड़ते, हम लोग पूरी तुलसी को ऐसे तोड़ लेते हैं, डाल को तोड़ लेते हैं, तो अंतर होता है। तो दक्षता जो होती है वो प्रत्येक क्षेत्र के लिए अलग होती है, और यूएसए ने इसको करने वाला एक ऐसा राष्ट्र है यहां पर जो है कि जिसने स्पेस फोर्स को अलग से क्या किया है, बनाया है, और वो केवल स्पेस से संबंधित चीजों को ही देखेगी, उनकी मशीनरी को देखेगी और उनके कार्यक्रमों का हिस्सा होगी, जिससे वहां पर सुरक्षा प्रदान की जा सके और मशीनरी का नुकसान बहुत ज्यादा ना हो। तो इसका सही उत्तर जो आपका होगा वो इसमें का वो क्या होगा? ए होगा। क्लियर है? हाँ। 21वां प्रश्न। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे इसकी चर्चा की है। हाँ, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान है? तो आप बताइए, भारत का स्थान यहां पर क्या है? 112वां है। 112वां है। आइए 22वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में मैनुअल मरेरो क्रूज को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है ना? मैनुअल मरेरो क्रूज को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? यह बहुत विशेष प्रश्न है आपके लिए, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसका उत्तर तो होगा क्यूबा, हम सभी लोग जानते हैं। विशेष क्यों है? क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि क्यूबा जो है 1976 के बाद पहली बार क्यूबा में प्रधानमंत्री की नियुक्ति हुई है, क्योंकि 1976 में जब फिदेल कास्त्रो राष्ट्रपति बने थे क्यूबा के, तो उसके बाद क्यूबा में प्रधानमंत्री पद समाप्त कर दिया गया था। 1976 में जब फिदेल कास्त्रो राष्ट्रपति बने थे क्यूबा के, तो उसके बाद वहां प्रधानमंत्री पद को समाप्त कर दिया गया था और फिर से प्रधानमंत्री पद को सृजित किया गया है, और मैनुअल मरेरो क्रूज को 1976 के बाद अब कई वर्षों के अंतराल के बाद क्यूबा का क्या किया गया? प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। क्लियर? तो इसका सही उत्तर आपका क्या होगा बताइए? ए उत्तर सही हो जाएगा। 23वां प्रश्न है, वह पहला अरब देश जिसने G20 की अध्यक्षता हासिल की? आप सभी लोग जानते हैं सऊदी अरब के रियाद में इस बार यह सम्मेलन हुआ था, अध्यक्षता की थी सऊदी अरब के रियाद में, रियाद जो है क्षेत्र में इसकी अध्यक्षता की थी। उसका सही उत्तर आपका क्या होगा बताइए? बी सऊदी अरब होगा, है ना। आप समझ लीजिए, इससे पूर्व की जो अध्यक्षता थी वो जापान ने की थी, है ना, और इस बार की जो अध्यक्षता की वो किसने की? 21 से 22 नवंबर तक रियाद में हुआ, और इसका सही उत्तर आपका क्या है? सऊदी अरब है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मजा आ रहा होगा, क्या लग रहा है आप लोगों को? कमेंट करिए, और साथ में ये जरूर कमेंट करिए कि आप कहां से मुझे देख रहे हैं, है ना, प्रक्रिया आपको कैसी लग रही है। हम लोग सभी बैचेज में बहुत महत्वपूर्ण मेहनत कर रहे हैं, जबरदस्त तरीके से जुटे हुए हैं, आप लोगों का स्नेह प्रेम विश्वास इस प्रकार बना रहे। पीसीएस का बैच लगातार संचालित हो रहा है, 5 तारीख से नए बैच को आना है, उसकी प्रवेश प्रक्रिया के बारे में प्रारंभिक समय में ही जानकारी दे चुका हूं। प्री कम मेंस का बैच है, जबरदस्त फैकल्टी के साथ 5 तारीख को बैच शुरू हो रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो नंबर चल रहा है, आप उन नंबर्स पर क्या करके फोन करके एडमिशन ले सकते हैं, या पूरी प्रक्रिया को मैं शुरुआत में भी एक बार बता चुका हूं। आइए, किस द्वीप समूह में डीजल ईंधन फैलने के बाद इक्वाडोर द्वारा आपातकालीन की घोषणा की गई, आपातकाल की घोषणा की गई? क्लियर? इसका दो हाथ, इसका सही उत्तर जो आपका होगा वो उत्तर आपका होगा गैलापागोस। डी जो आपका है वो सही है, गैलापागोस। अभी हाल ही में सभी आपने समाचार पत्रों में पढ़ा, द ट्रिब्यूनल से लेकर सभी समाचार पत्रों में ये जो था दुर्घटना स्थल, पूर्वी द्वीप सैन क्रिस्टोबल
का एक बंदरगाह है। जब एक क्रेन बजरे पर कंटेनर उतारते समय गिर गया, जिससे जहाज असंतुलित होकर डूब गया और डीजल ईंधन का फैलाव पूरे गैलापागोस द्वीप में हो गया। पर्यावरण जोखिम को कम करने के लिए, पर्यावरण जोखिम को कम करने के लिए यहां पर इक्वाडोर को आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी। अगर हम ज्योग्राफी के हिसाब से इस प्रश्न को देखें और इसकी अवस्थिति के बारे में चर्चा करें, डी वाले की, जो आपका द्वीप समूह है, प्रशांत महासागर में भूमध्य रेखा के आसपास फैले ज्वालामुखी द्वीपों का एक समूह है, जिसको हम गैलापागोस द्वीप कहते हैं। यूनेस्को द्वारा जैव विविधता के दृष्टिकोण से विश्व धरोहर के रूप में मान्यता प्राप्त है। यूनेस्को द्वारा जैव विविधता के लिए विश्व धरोहर के रूप में मान्यता प्राप्त भी ये है, और महत्वपूर्ण स्थान को बचाने के लिए इक्वाडोर ने कदम आपका उठाया है। आइए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 25वां प्रश्न, दिसंबर 2019 में भारत और ईरान ने रणनीति चाबहार बंदरगाह परियोजना के विकास में तेजी लाने पर सहमति व्यक्त की। चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बताइए, ये ईरान में स्थित है। कहां पे स्थित है? ईरान में स्थित है, ध्यान दीजिएगा, है ना, ईरान में स्थित है। और ईरान में अगर इसकी सही अवस्थिति देखें तो ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में मकरान तट पर ओमान की खाड़ी के निकट है। ईरान में सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में मकरान तट पर ओमान की खाड़ी के निकट स्थित है। आइए 26वां प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 26वां प्रश्न है, दिसंबर 2019 में नाटो, जिसका फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन कहां किया गया? ब्रुसेल्स, लंदन, वार्सा, न्यूपोर्ट वेल्स। तो इसका सही उत्तर आपका होगा लंदन। नाटो के बारे में आइए थोड़ी सी जानकारी इकट्ठी कर देते हैं यहां पर, है ना, इसका सही उत्तर आपका होगा लंदन। नाटो के बारे में अगर हम लोग देखें यहां पर, तो 3 से 4 दिसंबर 2019 को ये लंदन में हुआ, यूनाइटेड किंगडम जिसको हम लोग कहते हैं। 70वीं वर्षगांठ थी नाटो की, 70वीं वर्षगांठ थी ये, है ना। नाटो के सभी 29 सदस्य देशों ने इसमें शामिल लिया। तो नाटो के कितने सदस्य देश है इस समय? 29 सदस्य देश है, और नाटो के सभी 29 सदस्य देशों ने इसमें भाग लिया। अगर हम लोग यहां पे देखें कि नाटो की स्थापना कब हुई थी, नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 में हुई थी, और इसका मुख्यालय जो है वो ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। हाँ, स्थापना कब हुई थी? 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना हुई थी, और इसका जो मुख्यालय है वो बेल्जियम के ब्रुसेल्स में यहां पे स्थित है। इस सम्मेलन का जो उद्देश्य था वो क्या था? नाटो की सैन्य ताकत को और अधिक बढ़ाने का निर्णय यहां पे लिया गया। उद्देश्य था नाटो की सैन्य ताकत को और अधिक बढ़ाना। 29 सदस्य देश हैं, याद रखिएगा। आइए 27वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में 33वां अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेला 2019 का आयोजन कहां हुआ? इस प्रश्न के उत्तर से भारत भी संबंधित है, और यहां पर यह प्रश्न का उत्तर आपके लिए बहुत जरूरी। तो इसका सही उत्तर होगा मेक्सिको। मेक्सिको में आयोजन हुआ, और भारत इससे किस प्रकार संबंधित था? देखिए, स्पेनिश भाषा बोलने वाले देशों में सबसे बड़ा यह पुस्तक मेला था अब तक का। पुस्तक मेले में भारत को गेस्ट ऑफ ऑनर चुना गया। यह सम्मान पाने वाला भारत एशिया का पहला देश है। मतलब इस पुस्तक मेले में गेस्ट ऑफ ऑनर भारत को चुना गया, ऐसा सम्मान पाने वाला भारत एशिया का पहला देश बना। और इसका जो सही उत्तर था वो आपका क्या है? मेक्सिको। डी आंसर इसका सही हो जाएगा। 28वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जनवरी 2020 में केंद्रीय वित्त कारपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आर्थिक समीक्षा 2019-20 प्रस्तुत किया। इसके अनुसार वित्त वर्ष 2019-20 की प्रथम अग्रिम अनुमान में जीडीपी वृद्धि दर जो है वो कितनी अनुमानित है? तो इसका सही उत्तर होगा बी, 4.5 से 5%। ये आपकी अनुमानित है ना, 4.5 से 5% अनुमानित है। बी उत्तर इसका क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। क्लियर है? आइए अगला प्रश्न है आपका 29वां। 31 जनवरी 2020 को संसद में प्रस्तुत आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अंतर्गत भारत के शीर्ष 5 व्यापारिक साझेदारी में कौन शामिल नहीं है, है ना, यह आपका प्रश्न है। शीर्ष 5 व्यापारिक साझेदारी में कौन शामिल नहीं है? तो पहले तो आप समझ लीजिए कि भारत के शीर्ष 5 व्यापारिक साझेदार देश कौन कौन से हैं, आप नाम नोट कर लीजिए। तो सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर है आपका चीन, फिर है संयुक्त अरब अमीरात UAE, फिर है सऊदी अरब, और फिर है हांगकांग। उस हिसाब से अगर हम लोग देखें
तो कौन शामिल नहीं होगा? जापान आपका शामिल नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर होगा कौन बताइए? जापान। मैंने शीर्ष पांच देशों के नाम आपको बताए हैं जो शामिल है, मैं एक बार फिर दोहरा रहा हूं, आप नोट कर लें, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और हांगकांग। क्लियर है? आइए अगला प्रश्न है आपका, यहां पर तीसवां प्रश्न जिसमें लिखा है आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार शीर्ष निर्यात मद कौन सा है। देखिए शीर्ष निर्यात मद कौन सा है तो आप समझ लीजिए शीर्ष निर्यात मद जो है वो पेट्रोलियम उत्पाद है। क्या है? पेट्रोलियम उत्पाद। यहां पे मैं कई जानकारियां आपको दे दूंगा जो आपकी जरूरत की है। ये शीर्ष निर्यात मद है। क्लियर? शीर्ष निर्यात। अगर मैं आपसे कहूं कि शीर्ष आयात मद कौन सा है, आपसे पूछा जाता है तो कच्चा पेट्रोलियम है ना। शीर्ष आयात मद अगर आपसे पूछा जाए कौन सा है तो आप क्या कहेंगे? कच्चा पेट्रोलियम। याद रखिएगा कच्चा पेट्रोलियम, हां ये शीर्ष आयात मद है ना। इसके बाद फिर मैं आपसे एक बात और यहां पर कहूं कि सबसे बड़ा निर्यात स्थल कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका। सबसे बड़ा निर्यात स्थल अगर आपसे पूछा जाए तो सबसे बड़ा निर्यात स्थल कौन सा है? यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा आयात स्थल कौन सा है तो आपका उत्तर क्या होगा? सबसे बड़ा आयात स्थल है चीन। सबसे बड़ा आयात स्थल कौन सा है आपका बताइए? यहां पे चीन है। क्लियर है? हाँ। तो अब यहां पर ये चार प्रश्न हम लोगों ने तैयार किए, सबसे बड़ा निर्यात मत पेट्रोलियम उत्पाद, सबसे बड़ा आयात मत कच्चा पेट्रोलियम, सबसे बड़ा आयात स्थल चीन और सबसे बड़ा निर्यात स्थल आपका क्या है? यूएसए। आइए 31वां प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, पेन डाउन करते चलिए। 31वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस योजना के लिए बजट 2020-21 में सर्वाधिक व्यय प्रस्तावित है ना। तो देखिए इसका सही उत्तर आप लोगों का हो जाएगा, यहां पर पहला उत्तर आपका सही हो जाएगा, पीएम किसान योजना के लिए सबसे ज्यादा सर्वाधिक व्यय प्रस्तावित है पीएम किसान योजना के लिए, है ना। मतलब बजट जो आपका आया है उसमें 2020-21 में सर्वाधिक व्यय प्रस्तावित अगर किसी योजना के लिए है तो कौन सी है? पीएम योजना। कितना है? 75,000 करोड़ रुपए। अगर हम लोग देखें कितना है? 75,000 करोड़ रुपए है ना, ये आपका यहां पर प्रस्तावित है। आइए 32वां प्रश्न है बजट 2020-21 में अनुमानित राजकोषीय घाटा कितना है? तीन चार महत्वपूर्ण डिटेल में यहां पे आपको पेन डाउन करा देता हूं, आप यहां पे इसको क्लियर कर लीजिए है ना। राजकोष आपसे पूछा गया राजकोषीय घाटा कितना है? 3.5%। इसका सही उत्तर होगा 3.5%। बाकी तीन मैं आपको और डाटा दे रहा हूं, तीन डाटा को आप नोट करिए यहीं पर है ना। इसका सही उत्तर है आपका 3.5%। अगर आपसे पूछा जाए राजस्व घाटा कितना है? 2.7%। राजस्व घाटा आपका कितना है? 2.7% लिख लीजिए। अगर आपसे दूसरा पूछा जाए राजस्व घाटा कितना है बताइए? 2.7%। क्लियर? इसके बाद फिर अगर आपसे पूछ लिया जाए प्राथमिक घाटा कितना है? 0.4%। प्राथमिक घाटा आपका कितना होगा यहां पे? प्राथमिक घाटा 0.4% है ना। तीसरा आप यहां पे समझ लीजिए, इसके बाद वाला जो आपके लिए महत्वपूर्ण है प्रभावी राजस्व घाटा होगा 1.8%। राजस्व घाटा नहीं, प्रभावी राजस्व घाटा कितना है? 1.8% है ना। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 3.5%। बाकी राजस्व घाटा, प्राथमिक घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा और मैंने आपको बताया क्योंकि ये लगातार परीक्षाओं में आपसे पूछे जाते रहते हैं तो इनको भी आपको यहां पर याद रखना है। आइए अगला प्रश्न है आपका 33वां प्रश्न है दिसंबर 2019 के मध्य भारत के पहले मेगा फूड का उद्घाटन कहां किया गया है ना। पहले मेगा फूड का मध्य भारत के, भारत के नहीं, मध्य भारत के पहले मेगा फूड का उद्घाटन कहां किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा देवास, मध्य प्रदेश में। देवास मध्य प्रदेश में इसका उद्घाटन किया गया। यह एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जिसको आपको यहां पर कैरी करना है। आइए अगला प्रश्न है आपका यहां पर 1 फरवरी 2020 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा कुल कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है ना। तो ये 30.42 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया कुल बजट है ना। तो ये 30.42 लाख करोड़ रुपए इसका सही उत्तर होगा 34वें का। आइए 35वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हाल ही में किस बैंक को ग्रामीण रोजगार हेतु बजट परफॉर्मिंग बैंक अवार्ड, देखिए किस चीज के लिए, किस बैंक को ग्रामीण रोजगार हेतु बजट परफॉर्मिंग बैंक अवार्ड 2018-19 प्रदान किया गया और इसका सही उत्तर जो आप लोगों का होगा वो होगा आंध्रा बैंक। ए क्या होगा?
आंध्रा बैंक को यह पुरस्कार यहां पर दिया गया। 36वां प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने टैप बैंकिंग के माध्यम से तत्काल बचत खाता खोलने हेतु डिजिटल संस्करण केबीएल एक्सप्रेस एसबी अकाउंट का शुभारंभ किया? कर्नाटका बैंक से संबंधित है ना, कर्नाटका बैंक ने बचत खाता खोलने के लिए केबीएल एक्सप्रेस टैप के माध्यम से एसबी अकाउंट का शुभारंभ किया। इसका सही उत्तर आपका है कर्नाटका बैंक। 37वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, हाल ही में किस देश में पिछले 27 सालों में पहली बार पोलियो का मामला दर्ज हुआ? यह महत्वपूर्ण सवाल है, इसको देख लीजिएगा, है ना। तो देखिए इसका सही उत्तर आप लोगों का होगा ए मलेशिया, है ना, मलेशिया इसका उत्तर सही होगा। अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को पेन डाउन करने की जरूरत है, यहां पर प्लीज पेन डाउन करिए। मलेशिया में 3 महीने का एक शिशु पोलियो से पीड़ित पाया गया। पिछले 27 वर्षों में एशिया प्रशांत क्षेत्र का यह पहला मामला है, मतलब 27 वर्षों में पहला मामला है। इसका कारण क्या है? टीकाकरण की कमी। पोलियो मुक्त घोषित इसको कर दिया गया था 2000 में, मतलब सन 2000 में ही मलेशिया को पोलियो मुक्त घोषित किया गया था, उसके बाद यह पहला मामला है। मलेशिया में अगर हम लोग देखें तो रोग का जो अंतिम मामला है वो 1992 में दर्ज किया गया था, है ना। पोलियो बीमारी का आप जानते हैं कि कोई चिकित्सा उपचार नहीं है, इसे केवल टीकाकरण के माध्यम से ही रोका जा सकता है। तो इसका सही उत्तर आपका क्या होगा? मलेशिया। आइए 38वां प्रश्न, हाल ही में अर्थ रिसोर्स सैटेलाइट CBERS-4A को किन दो देशों की साझेदारी में अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया? तो इसका सही उत्तर आप लोगों का होगा बी चीन और ब्राजील। इसका सही उत्तर यहां पर आपका हो जाएगा, जिसको आपको यहां पर क्लियर करना है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग यहां पर पढ़ते हैं। 39वां प्रश्न है आपका, हाल ही में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहां पर एक अत्यंत आधुनिक डीएनए विश्लेषण केंद्र का उद्घाटन किया? अभी हाल ही में काफी चर्चा रही इस चीज की, तो इसका जो सही उत्तर है आप लोगों का वो क्या होगा? ए चंडीगढ़ में, है ना, यह चंडीगढ़ में। इससे जुड़ी मैं कुछ इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता हूं, आप लोग सुन लें ध्यान से, आपको याद रहेगा। इस केंद्र की स्थापना निर्भया फंड योजना के अंतर्गत की गई है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा केंद्र, ये निर्भया फंड योजना के अंतर्गत है, क्लियर, पहली बात इसे उत्तर। दूसरा इसका उद्देश्य समझ लीजिए, यह केंद्र यौन उत्पीड़न और मानव हत्या इकाई, पितृत्व इकाई, मानव पहचान इकाई और माइट्रोकॉन्ड्रियल डीएनए इकाई के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं प्रदान करेगा, क्लियर, चंडीगढ़ इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा। 40वां प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, किस देश में विश्व के सर्वाधिक प्राचीन जीवाश्म वन की खोज की गई? महत्वपूर्ण प्रश्न है, समझ लीजिए कितना पुराना है, मैं आपको यह भी बता देता हूं। पहले आप लोग 40वें का उत्तर करने का जो है प्रयास करिए, फिर मैं आपको क्लियर करता हूं, क्लियर। इसका सही उत्तर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका में, है ना, ए उत्तर पहले तो इसका सही होगा, इस प्रश्न का उत्तर सही है आपका ए। 386 मिलियन वर्ष पुराने जीवाश्म मनुष्य, कितने? 386 मिलियन वर्ष पुराने, है ना, अवशेष प्राप्त हुए, है ना, ये डेवोनियन युग का मध्य भाग है, है ना। और अवशेष में प्राप्त वृक्षों के प्रकार जो साइंस के हिसाब से है वे है क्लोडोक्लाइलोफिट्स और आर्कियोटेप्रिक्स, इस प्रकार के जो है आपके वृक्ष के प्रकार प्राप्त हुए हैं। सही उत्तर आपका क्या होगा? संयुक्त राज्य अमेरिका होगा। आइए, कई कई शब्दावलियां इतनी कठिन होती हैं कि वैज्ञानिक शब्दावलियां पढ़ने में भी थोड़ी सी दिक्कत हम लोगों को आती है। जैसे अभी मैं पढ़ रहा था तो उसका सही उच्चारण में 2 सेकंड में कर पाया, आइए कोई बुराई नहीं इसमें। हाल ही में भारत में अपनी तरह की पहली सेवा वैक्सीनेशन ऑन व्हीलर क्लीनर किस शहर में प्रदान की गई, है ना, हाँ, तो इसका सही उत्तर आप लोगों का होगा पुणे में की गई, है ना, पुणे में की गई। अब ये क्या है और इसका उद्देश्य क्या है, इसको भी आप जान लीजिए, है ना। जनसंख्या के निम्न आय समूह को कम लागत में टीकाकरण उपलब्ध कराना, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो टीकाकरण करवाना चाहते हैं लेकिन टीकाकरण की पहुंच से दूर है, तो जो निम्न आय वाले लोग हैं, सभी बच्चे सुरक्षित रहे, मातृत्व सुरक्षित रहे, जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित रहे, उसके लिए निःशुल्क टीकाकरण की योजना थी सभी लोगों के लिए। तो यहां पर पुणे में प्रारंभ की गई, इसका प्रमुख उद्देश्य था कि सभी को टीकाकरण उपलब्ध कराना, सरकारी टीकाकरण के प्रति जागरूक करना भी इसका एक प्रमुख उद्देश्य था, है ना, सरकारी टीकाकरण के प्रति जागरूक करना। 42वां प्रश्न,
किस बीमारी के उपचार के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपनी पहली वायोसिमिलर दवा ट्रस्टुजुमाव को पूर्व अर्हता प्रदान की, है ना। कई बीमारियां लाइलाज हैं, है ना, आप लोग जानते हैं। उसी प्रकार उसी के लिए ये जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का आपका प्रश्न है यहां पर, जिसका सही उत्तर होगा ए, स्तन कैंसर, है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो इस शब्द का संबंध किससे है, स्तन कैंसर है और ये क्या है, एक मेडिसन है, है ना, जिसे WHO द्वारा क्या है, पहली बायोसिमिलर दवा के रूप में उपयोग में लाया गया, इसकी मान्यता प्रदान अर्हता प्रदान की गई। 43वां प्रश्न, हाल ही में किस भारतीय महिला वैज्ञानिक के नाम पर एक तारे का नामकरण किया गया है, क्लियर। तो अब आप बताइए, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहां पर तारे का नामकरण किया गया है, इसका सही उत्तर होगा विभा चौधरी। विभा चौधरी यहां पर सही उत्तर आपका होगा। मैं इनके बारे में आपको जानकारी भी दे दूं, है ना। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में पहली महिला अनुसंधानकर्ता है, है ना। और वर्ष 2019 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की स्थापना का 100वां वर्ष है। वर्ष 2019 जो है वो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की स्थापना का 100वां वर्ष है। और तारे को दिया गया जो नाम है वो क्या है, विभा है। और इस ग्रह को दिया गया जो नाम है वो संतमस है, है ना। क्या है, संतमस। तारे का नाम और ग्रह का नाम जो है वो क्या है, संतमस। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, 44वां प्रश्न है आपका। वर्ष 2018 में निम्न में से भारत के किस राज्य में जलवायु परिवर्तन का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। 44वां प्रश्न का सही उत्तर दीजिए, आप लोग बताइए क्या होगा इसमें। हाँ, तो इसका सही उत्तर होगा केरल में, केरल में। अब देखिए, ये अलग तरीके से प्रश्न आपसे पूछा गया है। वैश्विक जलवायु परिवर्तन जोखिम सूचकांक 2020 के अनुसार ये आपका क्या आया है, ये आंकड़ा आया है। और जारी करने वाली जो संस्था है वो पर्यावरण थिंक टैंक है, जर्मन बॉच। 4 दिसंबर 2019 को इन्होंने ये आंकड़े जो है क्या किए, प्रदत्त किए। तो जलवायु परिवर्तन जोखिम सूचकांक 2020 में प्रथम तीन उच्च प्राप्त करने वाले जो देश है, पहला जो है जापान है, दूसरा फिलीपींस है और तीसरा जर्मनी है, क्लियर। और भारत में अगर देखें तो कौन सा राज्य है, केरल है। सर्वाधिक प्रभावित अगर देश पूछा जाए तो मैंने बताया जापान है। द्विवार्षिक रक्षा एक्सपो के 11वें संस्करण का उद्घाटन निम्न में से कहां हुआ, हम लोग जानते हैं क्या, लखनऊ उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया 11वां। और सभी लोग, प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसकी अध्यक्षता की थी, आप सभी लोग इसके बारे में पीछे जानते भी रहे हैं और मैंने आपको बताया भी था। भारतीय रक्षा उद्योग द्वारा अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करना और अपनी निर्यात क्षमता को बढ़ाने के लिए, अवसर प्रदान करने के लिए इसको लगाया गया था। 46वां प्रश्न की तरफ हम लोग यहां पर बढ़ते हैं। 107वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहां किया गया, कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय जीवे केवे कैंपस बेंगलुरु, इसका सही उत्तर होगा 107वां। ध्यान दीजिएगा, 107वीं आपसे बात हो रही है तो इसका सही उत्तर आपका क्या होगा बताइए, ए होगा, है ना, ए हो जाएगा यहां पर, क्लियर। अब अगर हम लोग देखें कि 106वीं विज्ञान कांग्रेस का जो कहां हुआ था, तो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जालंधर पंजाब में हुआ था। आइए 47वां प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर 47वां प्रश्न है, दिसंबर 2019 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, जिसको हम कोप कहते हैं, COP25 का आयोजन कहां किया गया। देखिए, पहले ये आयोजन कहीं और होना था, फिर इसका स्थान बदला गया और ये आयोजन कहीं और किया गया। तो ये प्रश्न आपके लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। देखिए, इसका आयोजन किया गया मैड्रिड स्पेन में, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मैड्रिड, और ये कहां पर है, स्पेन में। ये तो इसका सही उत्तर हो गया, लेकिन इसको यहां आयोजित नहीं होना था। इससे पहले जो इसको यहां पे आयोजित होना था वो चिली में होना था, और चिली में आयोजन रद्द कर दिया गया क्योंकि सेंटियागो में बहुत विरोध प्रदर्शन हो रहा था, क्लियर। इसीलिए चिली में इसको क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया, और ये मैड्रिड स्पेन में हुआ। 26 मई का जो आयोजन होगा वो क्या हो, कहां होगा, स्कॉटलैंड में होगा। कहां होगा, स्कॉटलैंड में 26 मई आयोजित किया जाएगा। आइए 48वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 9 दिसंबर 2019 को अटलांटा अमेरिका में आयोजित 68वें मिस यूनिवर्स 2019 का खिताब किसने जीता, जोजो विनी टुंजी ने एक खिताब जीता। और ये जोजो विनी जो टुंजी है कहां की हैं, आप लोग उत्तर करें, आपने इसको पढ़ा होगा। हाँ, ये देश दक्षिण अफ्रीका है इनका, कहां पर है, दक्षिण अफ्रीका की है, साउथ अफ्रीका की है। भारत की जो सुंदरी थी वो थर्ड रनर अप रही यहां पर, यह भी आपको ध्यान रखना। 25 दिसंबर 2019 को भारत सरकार द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी
के नाम पर निम्नलिखित में किस एक का नामकरण किया गया, बताइए। एक रेलगाड़ी, हिमालय का एक पर्वत शिखर, रोहतांग दर्रे के नीचे का रणनीतिक सुरंग और वन्य जीव अभ्यारण्य। तो क्या इसका सही उत्तर होगा, बताइए। सी उत्तर सही होगा, रोहतांग दर्रे के नीचे एक रणनीतिक सुरंग। मैं इसकी भौगोलिक जानकारी आपको प्रदान कर देता हूं, है ना। हिमालय के लेह मनाली हाईवे के पास रोहतांग दर्रे के नीचे स्थित है। इसका जो पुराना नाम था रोहतांग टनल था, जिसको अब अटल टनल कहा गया। इसको अब क्या कहा गया है, पुराना नाम रोहतांग टनल, इसका अटल टनल कहा गया इसको। क्लियर, ये इसका सही उत्तर होगा। और इसके बारे में जानकारी है, 8.82 किलोमीटर, लगभग 9 किलोमीटर की है। 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में इसकी घोषणा की गई थी और अब इसको जाके पूरा किया गया है। 50वां प्रश्न की तरफ हम लोग यहां पर बढ़ रहे हैं। 50वां प्रश्न है, वायु प्रदूषण से निपटने के लिए हाल ही में किस रेलवे स्टेशन पर एक ऑक्सीजन पार्लर खोला गया। तो इसका सही उत्तर आप लोगों का होगा 50वां प्रश्न का, कि कहां पे खोला गया, आप लोग भी उत्तर करिए। तो 50वें प्रश्न का सही उत्तर है नासिक। तो ये 50 प्रश्नों की रटलों की आज की श्रृंखला थी, आप लोगों के लिए उपयोगी रही होगी। आपके कमेंट ही हमारी पूंजी है और ऊर्जा है। यूपी पीसीएस में एडमिशन लगातार चल रहे हैं, नीचे स्क्रॉलिंग पर नंबर है। 5 तारीख से नया बैच प्रारंभ है, मैं बार बार कह रहा हूं, मौके बार बार नहीं आते। आप सभी लोग अपना ख्याल रखें, एडमिशन सुनिश्चित कराएं, नीचे स्क्रॉलिंग में नंबर चल रहे हैं। ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करें, स्वस्थ रहें। वीडियो कैसा लगा जरूर लिखें। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद, टेक केयर। टारगेट बितालोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट प्रवृत्तिबद्ध है आप लोगों के लिए अच्छी शिक्षा को सर्व करने के लिए। हम अगले रटलों के साथ जल्द ही आपके सामने उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।